और राजस्थान से भी हादसे की खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के सीकर में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया और 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। पूरा अपडेट देख रिपोर्ट में। वीडियो देखिए, सड़क पर एक कार धू-धू कर जल रही है, काले धुएं का घना गुबार आसमान छूने पर आमादा है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। जॉइंट ऑपरेशन में आग बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लपटें इतनी तेज हैं कि ये बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, कार की जिस ट्रक से टक्कर हुई उसके बाद यहाँ पर क्या हश्र हुआ। कार में तो आग लगी ही, इसकी चपेट में ये ट्रक भी आ गया और धुआं धुआं होने लगा। ट्रक में रखा पूरा सामान भिड़ंत के बाद सड़क पर बिखर गया। 2:30 बजे आशीर्वाद पुलिया पे एक ट्रक के पीछे से सेंट्रा गाड़ी, जो यूपी नंबरों की है, वो पीछे से घुसी, घुसते ही उसमें आग लग गई। उसमें जली हुई अवस्था में 6 डेड बॉडियां मिली हैं, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। अभी पता कर रहे हैं, गाड़ी यूपी नंबरों की है, पता कर रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो राजस्थान के सीकर से आया है, जहाँ फतेहपुर के पास ये भीषण हादसा हुआ। गाड़ी में सवार 7 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ये सभी लोग सालासार बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी गाड़ी बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें मृतकों की शिनाख्त मेरठ आरकेपुरम दिल्ली रोड मेरठ के बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के हैं, 7 जने हैं, जिनमें 2 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये सालासर तकनी करने के लिए आए हुए थे, वापिस जा रहे हैं। ट्रक पुलिया के ऊपर चढ़ रहा था, पीछे से ये घुसी है, घुसते इसमें आग लग गई और ये लोग बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही। कार के नंबर प्लेट से गाड़ी की पहचान कर ली गई है। कार यूपी के मेरठ की बताई जा रही है, जो मेरठ के आरकेपुरम इलाके में रहते थे। अब पुलिस परिवार से कांटेक्ट करने में जुट गई है, ताकि पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा जा सके।